जीवन में जब भी हमारे समक्ष संकट आता है तो हमारे पास दो मार्ग होते हैं। पहला मार्ग भयभीत हो जाना, दूसरा मार्ग साहस के साथ उसका सामना करना। दोनों का मंतव्य एक ही है, लक्ष्य एक ही है, आत्म सुरक्षा, जीवन रक्षा। किंतु भय को दुर्बल माना जाता है और साहस को आपका बल माना जाता है। कारण यह है कि भय एक केवल एक प्रतिक्रिया है, वही साहस ये एक निश्चय, एक प्रतिबद्धता। और साहस के साथ यदि संकट का सामना आप करोगे तो हो सकता है उस संकट का सदा सदा के लिए आप दमन कर दो। क्योंकि संकट जब आता है सर्वप्रथम हमारा द्वंद्व होता है यहां मन। उस संकट का सामना हम यहां करते हैं। यदि इस हृदय को, इस मन को साहसी आप बना दो तो इसमें कभी भय नहीं आएगा और उस संकट का सामना करना सरल होगा, विजय प्राप्त करना सरल होगा। इसलिए निश्चित रूप से साहस अधिक श्रेष्ठ है। जीवन में जब भी कोई संकट आए तो साहस के साथ उसका सामना कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। एक गैया और एक बछड़े में कैसा संबंध होता है? एक गैया अपने बछड़े को पुकार लगाती है और बछड़ा सहस्त्र गैयाओं में से अपनी माता का स्वर पहचान लेता है और अपनी माता से आके लिपट जाता है। अब कुछ ऐसा ही संबंध है आपके कर्मों का और आपके कर्म फल का भी। आप जो कर्म करेंगे, आपके कर्म आपके कर्म फल को पुकार लगाएंगे और आपका कर्म फल कहीं ना कहीं से आपको ढूंढते ढूंढते आके आपसे लिपट जाएगा। तो उचित तो यही होगा कि आप सत्कर्म करें, क्योंकि एक बार भले ही ईश्वर आपको आपकी भूल के लिए क्षमा कर दे, आपके कर्म नहीं करेंगे। तो यदि आप दुष्कर्म करने वाले हैं तो आप समझ जाइए। अब यदि आप शुभ कर्म करने वाले हैं तो आप समझ जाए, जो आपका कर्म होगा आपका फल आपके पास अवश्य आएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कुछ और समय में, किंतु आएगा अवश्य। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। हम सभी कभी ना कभी जीवन में ईश्वर से कुछ ना कुछ मांगते हैं और ईश्वर जब हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु जब ईश्वर हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं करते तब हम सोचते हैं, संदेह करते हैं, क्या सच में ईश्वर है? आपको एक बात बता दूं, यदि आपने ईश्वर के समक्ष अपनी इच्छा रखी, अपनी मनोकामना रखी और ईश्वर ने वो पूर्ण कर दी, इसका अर्थ यह है कि ईश्वर जानते हैं कि आपको इसकी आवश्यकता है। किंतु यदि आपने कामना की और वो पूर्ण नहीं हुई तो बस इतना स्मरण रखिए, ईश्वर वो सब देख सकते हैं जो आप नहीं देख सकते। दूसरा कारण यह है कि ईश्वर ये बात भली भांति जानते हैं कि जो इच्छा आप रख रहे हैं वो इच्छा आप स्वयं अपने बल पर पूर्ण कर सकते हैं। तो यदि आपकी इच्छा ईश्वर पूर्ण करते हैं तो उन्हें धन्यवाद कहिए, यदि इच्छा पूर्ण नहीं करते हैं तो और भी धन्यवाद कहिए, क्योंकि वो आपके लिए या तो अच्छा कर रहे हैं या तो आपको उतना योग्य समझ रहे हैं कि आप स्वयं अपनी इच्छा, अपने स्वप्न पूर्ण कर सकते हैं। अपना कर्म करते जाइए, जीवन में आगे बढ़ते जाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। आम और नीम दोनों ही अपने अपने स्थान पर अत्यंत विशेष, अत्यंत श्रेष्ठ। आम हमारी शक्ति बढ़ाता है, वही नीम रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता बढ़ाता है। अब आम अत्यंत मीठा होता है और नीम कड़वा होता है। अब क्या इस कारण से नीम को निराश हो जाना चाहिए या स्वयं से घृणा करनी चाहिए कि वो कड़वा है? कदापि नहीं। देखिए, नीम कड़वा है इसमें नीम का कोई दोष नहीं है, दोष जिह्वा का है। इसे मीठा भाता है और कड़वा नहीं भाता। किंतु यदि आप नीम का उपयोग अपने जीवन में नहीं करोगे तो रोगों से लड़ने की आपकी क्षमता बढ़ेगी ही नहीं।
तो नीम तो है अत्यंत महत्वपूर्ण। इससे आपको क्या सीख मिले? यही कि कभी भी जीवन में किसी और के मापदंडों पे स्वयं को मत परखिए। आपकी योग्यता, आपकी विशेषता, आपके गुण अवगुण ये स्वयं आप समझ जाइए, इतना ही पर्याप्त है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा राधे राधे। क्या आपने कभी कुएं से जल निकालते हुए किसी को देखा है? एक पात्र को रस्सी से बांधा जाता है, उसे कुएं में डाला जाता है, खींच के तब जल प्राप्त होता है। सरल सी बात है, परंतु कभी ये सोच के देखिए, कुएं में पात्र डालने के पश्चात यदि पात्र सीधा ही रहे तो वो जल में प्रवेश कर ही नहीं सकता, ना जल उस पात्र में प्रवेश कर सकता है। उस पात्र को झुकना पड़ता है, तब जाके जल उसमें प्रवेश करता है, तब जाके खींच के आपकी प्यास बुझती है। अब इसमें जीवन की एक अमूल्य सीख छिपी है, एक सीख जो संसार के हर एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, और उस सीख का नाम है विनम्रता। संसार में हर एक व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए। आप स्वयं को विनम्र बना दीजिए, आपको बड़ों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, सफलता का साथ भी प्राप्त होगा। आप विनम्र नहीं, कुछ भी टिकेगा नहीं। तो विनम्र रहिए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा राधे राधे। कभी आपने सोचा है कि वो क्या है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है? जैसे कि आप मार्ग से चल रहे हैं, पांव में मोच आपको आगे बढ़ने से रोकती है, वैसे जीवन में छोटी सोच आपको आगे बढ़ने से रोकती है। देखिए, यदि एक चाक है जो टूटी हुई है, वो आपको मिट्टी के पात्र नहीं बनने देते। उसी प्रकार किसी से ईर्ष्या करना आपको महान नहीं बनने देता। मैं ऊंचा हूं और वो नीचा है, ये विचार कभी आपको ऊंचे उठने नहीं देता। मन से सारे विकार, ईर्ष्या, मोह, लोभ, लालच सब निकाल फेंकें। इस सोच को बड़ा कीजिए, सकारात्मकता लाएं और पूर्ण समर्पण से कर्म करते जाएं। महानता और सफलता दोनों आपके कदम चूमेंगे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा राधे राधे। जीवन में जब भी हम किसी ऐसे मार्ग पर चलना चाहते हैं जिस पर कांटे हैं, छोटे कंकड़ हैं जो चुभ सकते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम पादुकाएं पहनते हैं और तत्पश्चात हम बड़ी सरलता से उस मार्ग से चल के जा सकते हैं। किंतु यदि पादुका और पांव के बीच कोई छोटा सा कंकड़ आके फंस जाए तो हम कोमल से कोमल मार्ग को भी नहीं पार कर सकते। कुछ समझे आप? इसका सार यही है कि हम बाहरी युद्ध जीत सकते हैं, वहां पे सफल हो सकते हैं, किंतु उससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण और कहीं अधिक कठिन आंतरिक युद्ध होते हैं, आंतरिक कठिनाइयां होती हैं। लोभ, मोह, क्रोध, लालच, भय, यदि ये आपके भीतर हैं, तो आप संसार के किसी भी स्तर तक पहुंच जाएं, कितना भी बड़ा युद्ध जीत जाइए, आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो सर्वप्रथम स्वयं को सुधारें, तत्पश्चात इस संसार को जीतें, और उससे पहले मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे। कभी कभी हम किसी कार्य को आरंभ करने के विषय में सोचते हैं, फिर और सोचते हैं, फिर और सोचते हैं, सोचते ही रह जाते हैं। देखिए, ये अनुचित नहीं कि हम किसी कार्य को आरंभ करने से पूर्व उसके विषय में सोच विचार करें, उसे समझें, ठीक है, किंतु सारा समय इसी में व्यर्थ करना उचित नहीं। यदि आपने अधिक समय लगा दिया तो समय आपसे रुष्ट अवश्य होगा, और क्यों ना हो, आप समय को नष्ट कर रहे हैं, ये उचित नहीं।
देखिए, निश्चित रूप से सोच विचार कीजिए, आकलन कीजिए, पूर्ण रूप से कीजिए, किंतु ये भी स्मरण रहे कि उस उचित समय में आपको कर्म आरंभ करना है। सोचते ही रहोगे तो कर्म आरंभ नहीं कर पाओगे। और ये समय अत्यंत बलवान है, इसका सम्मान करोगे तो ये आपका साथ देगा, नहीं करोगे नहीं देगा। आइए इस समय का सम्मान करें और मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अच्छी मंशा पर, अच्छे विचारों पर, अच्छे कर्मों पर लोग संदेह करते हैं, प्रश्न उठाते हैं, प्रमाण मांगते हैं, शुद्धता की परीक्षा देने को कहते हैं, और तब निश्चित रूप से दुख होता है। हम सोचते हैं कि यही जीवन है, इतना अच्छा सोच के भी, शुभ कर्म करके भी लोग हम पे ही संदेह करते हैं। दुख तो होता है, किंतु दुखी होने की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यदि कोई आप पर संदेह करता है तो उन्हें करने दे। संसार में क्या होता है, देखिए, संसार में स्वर्ण की शुद्धता को ही परखा जाता है, कोयले की कटुता को नहीं। आप स्वर्ण हैं तो आपकी शुद्धता को परखा ही जाए, वो तो होना ही है। आप स्वयं को दुखी मत कीजिए, आपका केवल एक कर्म है, स्वर्ण की भांति चमकते रहें। संसार को आपके सोच विचार, आपके कर्म का, आपकी शुद्धता का प्रमाण मिलता ही रहेगा। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा राधे राधे। कई बार ऐसा होता है जहां लोग हमारे सत्य को अस्वीकार करते हैं और लोगों की मिथ्या बातों को स्वीकार कर लेते हैं, वो भी बड़ी सरलता से, तब हमें बड़ा दुख होता है, बड़ा क्रोध आता है लोगों की इस सोच पर। पर यह जानना अधिक महत्वपूर्ण है कि ऐसा होता है तो क्यों, क्या कारण आप है, क्या आप में कोई दोष है? कदापि नहीं। कारण यह है कि सत्य, इस सत्य का मूल्य कहीं अधिक है, इतना अधिक है कि कई बार बड़े से बड़ा धनी भी इसका मूल्य चुका नहीं सकता। वही बात की जाए यदि मिथ्या की, तो इसका मूल्य बहुत छोटा है, बड़ी सरलता से इसलिए मिथ्या सब में बिक जाता है। आपका कर्म सत्य कहूं तो ये नहीं कि आप सोचते रहें कि लोग आपको क्यों नहीं समझ रहे, आपके सत्य को क्यों नहीं समझ रहे। आपका कर्म है अपने सत्य के साथ खड़े रहना, सत्य के साथ चलते रहें, क्योंकि सत्य भी उन्हीं के पास आएगा जो सत्य को खोजना चाहते हैं, अन्यथा अधिकतर लोग मिथ्या में ही प्रसन्न है। आप कर्म करते जाइए, अपने सत्य के साथ आगे बढ़ते जाइए, सत्य अधिक समय तक छिपा नहीं रहता, संसार के समक्ष एक न एक दिन अवश्य आएगा, और तब भी ये लोगों पर है कि वो स्वीकार करना चाहते हैं या नहीं। आप कर्म करते जाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। संकट, समस्याएं, कठिनाइयां, ये तो हर एक के जीवन में आते हैं। अधिकतर बार ऐसा होता है कि मनुष्य के जीवन में जब कोई संकट आता है तो वो वहीं भयभीत हो जाता है, चिंतित हो जाता है, निराश हो जाता है। किंतु यदि मैं आपको सत्य बताऊं तो हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए, हमें लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए ये संकट, ये समस्याएं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसका उदाहरण मैं नहीं, अपितु तो प्रकृति स्वयं देगी। अब स्वयं कभी धरती माता को देख लीजिए, धरती माता सूर्य का ताप सहती है, क्यों? ताकि धरती पर जो जल है वो वाष बनकर ऊपर जाए, मेघ बने, और धरती पर पुनः एक बार वर्षा करे, नया जीवन दान दे। वही बात कीजिए पतझर की तो वृक्ष को देखिए, पतझर के इस ऋतु में सारे पत्ते झड़ जाते हैं, तत्पश्चात उस वृक्ष पे होता है नवनिर्माण, नए पत्ते आते हैं, वो वृक्ष पुनः खिल उठता है,
लहला उठता। ऐसी आपके जीवन में संकट, कठिनाइयां, समस्याएं ये तो आते ही रहेंगे। आपको इससे भयभीत नहीं होना, पीछे नहीं हटना, निराश नहीं होना है, अपितु डट कर साहस के साथ उसका सामना करना। ये करना आप सीख जाएंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि यही संकट, यही समस्याएं, यही कठिनाइयां आपको बल प्रदान करें। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे। जब हम जीवन में अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं तो कई सारे लोग हमें सलाह देते हैं कि आप ये कीजिए, आपको वो करना चाहिए, आपको उस आदर्श व्यक्ति की भांति उस मार्ग पे चलना चाहिए। हमें अच्छा लगता है, हम उसका अनुसरण करने लगते हैं, क्योंकि उस मार्ग पे एक अथवा दस लोग चल के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। अब उन लोगों को उस मार्ग पे चल के लक्ष्य की प्राप्ति हुई, क्या इसका अर्थ यह भी है कि हमें भी अवश्य होगी? आवश्यक नहीं। मैं आपसे सरल सा प्रश्न पूछता, क्या वो आदर्श व्यक्ति आप हैं? नहीं, वो व्यक्ति कोई और है, जिसकी अपनी सोच है, अपनी विचारधारा है, अपने कर्म हैं, अपने अनुभव हैं, अपने गुण अपने अवगुण हैं, उनकी अपनी एक यात्रा है, अपना लक्ष्य है, वो आपने। बात की जाए यदि आपकी, तो आपके विषय में सबसे अधिक कौन जानता है? आपकी यात्रा, आपके लक्ष्य के विषय में, आपकी सोच, आपकी विचारधारा, आपके कर्म के विषय में, आपकी कामना के विषय में, आपके अनुभवों के विषय में, इन सब के विषय में सबसे अधिक यदि कोई जानता है तो वो है स्वयं आप। तो अपने जीवन में किस मार्ग को चुनना है और कैसे आगे बढ़ना है, ये चयन भी श्रेष्ठ होगा यदि आप ही के हाथ में हो। आप अपने जीवन का आकलन कीजिए, समझिए और अपने लक्ष्य को जाकर प्राप्त कर लीजिए। कुछ इस प्रकार उदाहरण इस संसार के समक्ष प्रस्तुत कीजिए कि भीड़ आपके मार्ग पर चलने के लिए आतुर हो जाए। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा राधे राधे। कभी जब भवंडर आता है, आंधी तूफान आता है, तब देखिए ये कितना बड़ा स्वर करता है, कितना बड़ा नाद करता है, विध्वंस मचा देता है। जब बाढ़ आती है तब कितना बड़ा स्वर करती है, कितना बड़ा नाद करती है, किनारों को तोड़ के रख देती है। वही किसी वृक्ष को देखिए, शांति से खड़ा रहता है मौन और अपना कर्म करता है, छाया देता है, फल देता है, कोई बड़ा स्वर नहीं, कोई नाद नहीं। नदी की बात की जाए तो नदी जो बहती है, खेतों को सींचती है, वनस्पतियों को प्राण देती है, हमें पीने के लिए जल देती है, इतना महान कार्य करती है, कोई बड़ा स्वर नहीं, कोई बड़ा नाद नहीं। ये सीख है, इस संसार में जो भी महान कार्य करते हैं मौन होकर अपना कर्म करते जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है महत्व स्वर का नहीं, कर्म का। और जो रुद्र का साथ देते हैं, नाद करते हैं, वो केवल विध्वंस मचाते हैं। आप मौन रहकर कर्म करते करते महान बनना चाहते हैं या रुद्र का साथ देकर केवल विध्वंस मचाना चाहते हैं? निर्णय आपका है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा राधे राधे। आप जीवन में क्या बनेंगे ये आपके परिश्रम, आपके निरंतर प्रयास और आपकी चुनी हुई दिशा पर ही निर्भर नहीं करता, ये निर्भर करता है आपकी संगति पे भी। इस संगति जो अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, प्रकृति भी हमें यही सिखाती है एक उदाहरण द्वारा। यदि ये मैं आपको बताऊं तो किसी हवा के झोंके को देखिए। एक हवा का झोंका जब किसी पुष्प को स्पर्श कर जाता है तो वो भी सुगंधित हो जाता है।
यही हवा का झोंका जब किसी नाली के ऊपर से बहता है तो वो भी सुरभिहीन हो जाता है। ये संगति ही है जो मनुष्य को कहां से कहां पहुंचा सकती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये संगति का प्रभाव ही है जहां चने के साथ घुन भी पिस जाता है। ये संगति का प्रभाव ही है जहां एक साधारण सा पत्थर स्वर्ण के साथ मिल जाता है और वो भी रत्न बन जाता है। तो इस संगति का विशेष ध्यान रखिए। अब किससे मिलते हैं, क्या बात करते हैं, क्या सीखते हैं, उनका आपकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, सब देखिए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा राधे राधे। प्रकाश किसमें होता है? सूर्य। शीतलता किसमें होती? चंद्रमा। अब यदि सूर्य में प्रकाश ही ना हो तो क्या होगा? अंधकार। यदि चंद्रमा में शीतलता ही ना हो तो क्या होगा? महाअंधकार। सब कुछ भीतर, अच्छाई और सच्चाई हर एक मनुष्य के मन के भीतर है ही है। यदि ये नहीं तो समझिए कुछ भी नहीं। जैसे एक दिया जो जलता है, प्रकाश फैलाता है, अंधकार में हमारा मार्गदर्शन करता है। क्यों जलता है? क्योंकि इसके भीतर एक बाती है जो जलती है। बाती क्यों जलती है? क्योंकि उसके भीतर घी है जो उस बाती को जलाए रखता है। सब कुछ हमारे मन के भीतर है, अच्छाई भी सच्चाई भी। इसी के साथ कर्म करते जाइए, जीवन में आगे बढ़ते जाइए। समस्त जीवन प्रकाशमय होगा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। कल आज और कल, हमारा पूरा जीवन इसी के आसपास मंडराता रहता है। हम सदैव बीते हुए कल के विषय में सोचते रहते हैं। भूतकाल जिसमें हमसे कोई भूल हुई, उसके विषय में सोच सोच के हम सदैव पछताते रहते हैं। ये उचित नहीं। देखिए, बीते हुए कल से सीख प्राप्त कर लेना अत्यंत आवश्यक है, किंतु वो भूल पुनः ना दोहराई जाए ये कर्म तो आपको वर्तमान में ही करना है। क्यों? दूसरी बात है, हम सोचते हैं आने वाले कल के विषय, भविष्यकाल के विषय। हम सोचते हैं कल कर लेंगे, आज ये कार्य नहीं हो पाया, कोई बात नहीं कल कर लेंगे। आज ये आरंभ ही हम कर नहीं पाए, कोई बात नहीं हम कल कर लेंगे। आज का दिन ही अच्छा नहीं होता, कोई बात नहीं हम कल कर लेंगे। बात है, आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। देखिए, ये कल जो है ये कभी आपके हाथ नहीं आने वाला, इसलिए जो कार्य करना है वो आज ही कीजिए, कम से कम आरंभ ही कर दीजिए, क्योंकि आने वाला कल ये सदैव आपसे एक कदम आगे रहेगा, एक दिन आगे रहेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये कल आपकी प्रतीक्षा नहीं करता। फिर आप भी इसकी प्रतीक्षा मत कीजिए, जो करना है आज ही आरंभ कीजिए। कि जो व्यक्ति वर्तमान में अपनी नींव नहीं बनाता, भविष्य काल में उसका सुंदर सा शक्तिशाली सा भवन बनता ही। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। काग और कोयल दोनों का रंग श्यामल होता है, परंतु इन दोनों में अंतर जो है वो ज्ञात होता है वर्षा की ऋतु में। जब काग अपने कर्कश स्वर से काव काव करता है, वही कोयल अपनी मीठी प्रसिद्ध कुहू से हमारा हृदय ही जीत लेती है। अब ये केवल कोयल और काग के साथ नहीं अपितु हर एक मनुष्य के साथ भी है। हर एक मनुष्य का व्यक्तित्व उसकी वाणी के पीछे छिपा होता है। यदि आप किसी मनुष्य को समझने जाएं जो मौन धारण करके बैठा है, तो हो सकता है कि आप उसे कुछ और ही समझें। यदि किसी के व्यक्तित्व को समझना है तो उसे बोलने दें, उस व्यक्ति की बातों को सुनना सीखें। ये आप सीख गए तो आपको अपने आप ज्ञात हो जाएगा कि सामने वाले मनुष्य का व्यक्तित्व क्या है।
आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। स्वप्न क्या? वो विचार जो हम सोते समय देखते हैं, एक अधूरी मनोकामना जिसे पूर्ण भी हम सोते समय ही कर सकते हैं। क्यों? कदापि नहीं। स्वप्न तो वो है जो आपको जगाए, स्वप्न वो है जो आपको भोर में उठने के लिए प्रतीक्षा करवाए। स्वप्न हम सोते समय तो देख सकते हैं, साकार करने के लिए दिन रात जाग के परिश्रम करना पड़ता है। ऐसा करोगे तभी स्वप्न पूर्ण होंगे। अब आप अपने जीवन को सोना बनाना चाहते हो या सोकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हो, निर्णय आपका है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। सफलता बड़ा ही सरल शब्द है, ये उन प्रारंभिक शब्दों में से एक है जो मनुष्य को थोड़ी समझ आते ही समझ में आ जाता है, और जैसे ही सफलता क्या है वो समझता है, आजीवन उस सफलता के ही पीछे भागता है। ये सफलता एक खेल की भांति जिसमें मनुष्य अपना समस्त जीवन दांव पर लगाता है, और हर खेल की भांति इसके भी कुछ नियम, और प्राथमिक नियम है कि सफलता प्राप्त करने के लिए सफलता प्राप्त करने का स्वप्न आपको देखना होगा। जी किंतु हां, केवल स्वप्न देखने से कुछ नहीं होने वाला। स्वप्न देखिए, तत्पश्चात आपको स्वयं की निद्रा को भगाना होगा, दिन रात परिश्रम करना होगा, निरंतर प्रयास करने होंगे, तभी यह सफलता आपके पास आएगी और आपके कदम चूमेगी। तो स्वप्न देखिए और परिश्रम से उन्हें साकार करें, ये करेंगे तभी यह सफलता सरल बनकर आपके सामने आएगी, और तब मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। समस्याएं, हर एक के जीवन में समस्याएं आती हैं जाती हैं, और हर एक व्यक्ति समस्या आने के पश्चात उसका हल निकालने में लगा होता है, किंतु जैसे ही समस्याओं का अंत हो जाता है हम प्रसन्न भी हो जाते हैं और असावधान भी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमने संपूर्ण रूप से समस्या का अंत कर दिया, किंतु कहीं ना कहीं एक छोटा सा बीज रह जाता है, और वो बीज हमारी असावधानी की छाया में बढ़ता जाता है, और फिर महासंकट बन के पुनः हम पर आक्रमण करता है। ये संकट किसी भी रूप में आ सकता है, कोई शत्रु हो सकता है हमारा, या कोई महामारी भी हो सकती है, इसलिए सदैव सावधान रहना ही उचित है। क्योंकि असावधान होकर होता क्या है, हमारे सुरक्षा चक्र में एक छेद बन जाता है, और हमारा अंत करने वाला बाण उस छेद से होकर हमारे हृदय तक पहुंच सकता है। तो हर समस्या का अंत कीजिए, जीते उत्सव भी मनाए, किंतु सावधान रहकर। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।